साथियों, मैं आज जिंदगी के उस पॉइंट पे बात करता हूँ। हमारी जिंदगी में एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलेशन की दुनिया हमारी पावर जिंदगी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो रिलेशन होता है अपनी फैमिली परिवार उससे बहुत स्ट्रांग होता है। क्या आप जानते हो रिश्ता होता क्या है? एक रिलेशन को हम अपनी जिंदगी में किस प्रकार से निभाते हैं? कहते हैं ना, हमारा जो रिलेशन होता है लाइफ के लिए बहुत इंपैक्ट होता है उसका। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। आप जिंदगी में क्या चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, सोचना आपको पड़ेगा, समझना पड़ेगा जीवन के अंदर। कई बार हारना बहुत अनिवार्य हो जाता है और बहुत जरूरी। इसलिए सोचिए, आप अपनी जिंदगी का मकसद को पहचानो, अपने जीवन का एक्चुअलिटीज को पहचानो। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते मौके नहीं भरोसे के मोहताज होते। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता। रिश्ता चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन कभी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग बुझाने के लिए काम आता है। आप चाहिए क्या आपको? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है आपको? अपना आपकी सोचिए। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते उनसे जीवन होना बहुत जरूरी है। लाख गुलाब लगा तो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू बेटी के आने से होती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते, अपने वो होते जो रोने नहीं देते। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं है बल्कि जीना है। कड़वी बात है लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत और दूसरा सही है। माफी का असली मतलब होता है हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। यह सच है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता चलता है। मैंने एक बात बताई थी, सिर्फ खून का रिश्ता होना ही जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते दिल के भी हुआ करते हैं। मानो तो एक रूह का रिश्ता हम सबको, ना मानो तो कोई किसी का क्या लगता है। अगर दो लोग कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारे फसाने बदल जाते हैं। बात बनती है दिल से, दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से, और घर बनता है अपनों से। अपनों के साथ क्या रिलेशन है आपका? इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वो लोग शामिल होते हैं जो आप चाहते हो। बस एक ही बात सीखो जिंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों के दिल के करीब रहना है तो कोई बात दिल में मत लो। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात कह दीजिए। बात बहुत खामोश, रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। नाराज की कुछ देर चुप रहने के बाद मिटा लिया करो। गलती पर बात करने से रिश्तों में उलझ जाता है। जिनके पास अपनों से झगड़ते हो ना, जिनके कोई अपना है वो अपनों से तरसता है। छोटी सी जिंदगी हंस कर जियो, बुला के गम सारे दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा के जियो। अपने लिए नई समय है, अपनों के लिए सीओ। इतना करीब रहे हो रिश्तों में, इतबार रहे, इतनी भी दूर मत रही अपनी लाइफ के अंदर कि मत जाओ, इंतजार रहे। उम्मीद रखो रिश्तों के बीच, जितनी उम्मीद टूट पर रिश्ते बरकरार रहे। अच्छे रिश्तों को वादा और शर्तों की जरूरत होती है। उसके लिए दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक भरोसा कर सके, दूसरा उसे समझ सके। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू है। कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं, और कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास है, ईमानदारी है, समझदारी है, तो उसे निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई जरूरी नहीं होती। नहीं, अपनी लाइफ में जरूरत पड़ती है। रिश्तों की माया जाल में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा रखना होता है। सीख वो कड़वी भले ही दे तकलीफ में, वो ठंडी छांव तो देता है। रिश्ता अक्सर वो हो कामयाब होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल की जज्बात की परवाह करता है। जब इंसान की कामयाबी के शिखर पे होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है। जब वे बर्बादी के कगार पे होता है तो अक्सर अपने उसे भुला देते हैं। तीन चीजें किस्मत वालों को ही मिलती है, सच्चा प्यार, सच्चा यार और अपने आप से काम रखने वाला रिश्तेदार। दोस्तों, जो आपके जज्बात को समझे हम सफर, और आपके एहसास को समझे वो मिल तो जाते हैं सब अपने कहने वाले, पर अपना वो जो बिने कहे अपने हर बात को समझे। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों लोहे के हथौड़े से पिटते हैं तो तुमने इतना क्यों रोते हो? मैं तो नहीं रोता। लोहे ने कहा, जब अपने ही अपने को मारता है दर्द होता है साहब। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाने है। लगाकर भूल जाना पौधा भी सूख जाता है अपनी लाइफ के अंदर। जबरदस्ती का रिश्ता निभाया नहीं जाता, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। जो दिल के करीब होते वो अपने होते, गैरों के सपने बसाए नहीं जाते। रिश्ते वो
नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल हमेशा उनकी याद में हो। छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ना तोड़ो, कश्ती किसी की भी कभी भी हो अपनी लाइफ में, भंवरा भंवर में ना छोड़ा करो, बात अगर बिगड़ जाती है तो समर भी जाएगी, किसी आने से भी बात मुंह ना तोड़ा करो। बदल जाती जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई हमारा हमारे सामने हमारा नहीं रहता। रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ता निभाना उससे मुश्किल है, पानी पर पानी से लिखना होता है। दोस्तों मेरी यदि आपको कुछ बात समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।